हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रिस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जोडियक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर एनर्जी है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। एंड मेरे बारे में या इस रीडिंग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते। सो लेट अस सी कैंसर। शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन एंड उसके बाद आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस। सो लेट अस सी कैंसर्स, यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है। सो फर्स्ट हमारे पास है फोकस, देन वी हैव एक्टिवेशन, ओके, एंड देन वी हैव कार्मा, दैट इज द DNA। सो आई सी हियर कैंसर्स, ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे। आई थिंक वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं इस दौरान, जनवरी फर्स्ट टू 15th 2022 ऑफ कोर्स। एंड आप इस दौरान काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकते हो विथ सम हेल्प। आई थिंक आपको किसी से हेल्प मिल रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये यूनिवर्सल कुछ है। मे बी आप कुछ आप कुछ रिचुअल फॉलो कर रहे हो या कुछ ब्लेसिंग आपको मिल रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये ब्लेसिंग आपके किसी ऐसे पर्सन से है जो मे बी कुछ होता है ना फैमिली में, जो गुरुदेव होते हैं या जो गुरु होते हैं हमारे, वैसे किसी से आपको मिल सकता है। या दिस कैन बी समबडी जिसे आप बहुत मानते हैं, या फिर आपके ऑब्वियसली गॉड जिनमें आप बिलीव करते हो, यूनिवर्स जिनमें भी आप बिलीव करते हो, जो भी ये पॉजिटिव एनर्जी है। आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स या काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रहा है आपके करियर सिचुएशन में, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। आई सी दैट फॉर सम ऑफ यू आपका पूरा लाइफ काइंड ऑफ कुछ छोटे मोटे चेंजेस से शुरू होगा ये, बट आप धीरे धीरे देखोगे दैट आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस। एंड आई थिंक वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे कुछ कार्मिक सेटलमेंट्स है। यहाँ पे आपने अगर पास्ट में कुछ अच्छा किया है, स्पेशली अगर आप कुछ अच्छा कर्मा करते हो इन जनरल, जैसे चैरिटी करते हो, डोनेशंस करते हो, स्ट्रे एनिमल्स जो है बाहर जिन्हें खाना नहीं मिलता आप उन्हें खिलाते हो, उनका मे बी आई डोंट नो ट्रीटमेंट करते हो, समथिंग जो पुण्य का काम है, जो ऑब्वियसली आपको अच्छा कर्मा देता है हमेशा। या फिर मे बी आप दूसरों के लिए हमेशा प्यार शो करते हो, आप अच्छे फीलिंग्स रखते हो अपने दिल में दूसरों के लिए, आपको उसका बहुत बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिलेगा। आपको आप जितना अच्छा किए हो उससे भी ज़्यादा अच्छा आपके साथ होगा, उतने अच्छे चेंजेस आपके साथ आएंगे एज अ ब्लेसिंग आपके सामने। कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं आपके लाइफ में जो हटा दिए जाएंगे, ताकि आप आगे बढ़ सको, ताकि आप और अच्छा कार्मा गेन कर सको। सिमिलरली अगर ऑब्वियसली आपने कुछ बुरा कर्मा किया था जो मुझे नहीं लगता, बट स्टिल आई हैव टू से दिस, देन मे बी आप ब्लॉकेजेस फेस करो। बट डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, आप हमेशा अच्छा कर्मा कर सकते हो। इट्स नेवर टू लेट, आप आज से शुरू कर सकते हो। अगर आपको लगता है दैट आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप कुछ ब्लेसिंग्स रिसीव करना चाहते हो, आप कोई भी काइंड वर्क कर सकते हो, आप छोटा मोटा चैरिटी कर सकते हो, आप किसी को 10 रुपये भी दे सकते हो सड़क पे किसी ज़रूरतमंद को, वो भी अच्छा ही काम है। जितना हो सके करो, शो लव, हैव पीस, पॉजिटिविटी फैलाओ, किसी का हेल्प कर दो, किसी फ्रेंड का, किसी का भी। सो आई थिंक दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ कार्मिक सेटलमेंट्स हैपनिंग एंड ये बहुत लोगों के लिए गुड कार्मा है, ये ब्लेसिंग है। सो डोंट वरी अबाउट इट, एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है आपके फाइनेंसेस में एंड छोटे मोटे आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे जो काइंड ऑफ बाद में आपको दिखेगा कि उसका कितना बड़ा इम्पोर्टेंस था। सो आई सी दैट आप एक लग्जूरी में, देर इज़ समथिंग जो बहुत लग्जूरियस है।
कुछ लोग मे बी वैकेशन पे जा रहे हो, या आप कुछ खरीद रहे हो, या आपको ब्लेसिंग के तौर पे आप काइंड ऑफ या तो खरीद रहे हो या मिल रहा है, या कहीं से बेसिकली आपका जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेस आएगा, वो काफ़ी लग्जूरियस फील करोगे आप. या आपका घर, आपका लाइफ स्टाइल, आपका डाइट, एवरीथिंग, आप काइंड ऑफ लग्जरी फील कर सकते हो, लग्जरी आप स्पेंड कर सकते हो, अच्छे ब्रांड्स, अच्छी चीज़ें, वट एवर, जो भी आपके लिए लग्जरी है बेसिकली वही. एंड आई थिंक दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ गुड कार्मा जो आपने अर्न किया है, एंड जिस वजह से ये ब्लेसिंग है बेसिकली. ओके, सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस सी आपका लव सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं. ओके, वी हैव द किंग ऑफ व्हील्स. वाह, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. वाह, सो डेफिनेटली समबडी इज वर्किंग विद अ सोलमेट या फिर एक फ्यूचर स्पाउस एनर्जी. दिस इज अनबिलीवेबल. सो वी हैव द क्वीन ऑफ व्हील्स, द किंग ऑफ व्हील्स एंड द टेन ऑफ व्हील्स. आई सी हियर दैट देर इज़ अ मेजर रिलेशनशिप जो आपके सामने आ सकता है. अगर आप इस पर्सन से अभी तक मिले नहीं हो, दिस पर्सन इज़ कमिंग, ठीक है, ये सही टाइम पे ज़रूर आएंगे, बट एक बहुत ही मेजर मेजर रिलेशनशिप आपके सामने होने वाला है, आने वाला है, जिनके साथ चांसेस है दैट ये पर्सन आपके काइंड ऑफ फ्यूचर स्पाउस हो, फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ हो सकते हैं. एंड डेफिनेटली ये पर्सन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या ये तीनों उनके चार्ट में कहीं पे हो सकता है मेजरली. आई सी दैट एक बहुत ही ब्यूटिफुल, एक बहुत ही काइंड ऑफ स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल यूनियन आप फील करोगे, आप देखोगे इस पर्सन के साथ. ये पर्सन न्यू भी हो सकते हैं, ओल्ड हो सकते हैं, बट आई थिंक दैट कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, आप ऑलरेडी फील कर पाते हो इस पर्सन के एनर्जीज को. बट ऑब्वियसली आपको पता होगा आपका सिचुएशन क्या है, क्या आप ऑलरेडी इनके साथ डील कर रहे हो या ये न्यू पर्सन है. बट डेफिनेटली ये जो कनेक्शन होने वाला है ये बहुत ही स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म होगा, डेफिनेटली येस. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनका साइन हो सकता है या उनके चार्ट में बहुत ही प्रोमिनेंट हो सकता है. लेट अस सी, वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स. ये आपके पर्सन की एनर्जीज है जो आपके माइंड में है फिलहाल. एस ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस. ओके, सो आई सी हियर दैट ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो या जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये पर्सन काइंड ऑफ मे बी ये पर्सन पाइसीज है या इनके चार्ट में पाइसीज है, बट आई फील ये पर्सन काइंड ऑफ आपको एक लव, एक ऑफर करना चाहते हैं विद दिस कप ऑफ लव, या आपको ये ऑफर भेजना चाहते हैं. बट आई थिंक ये पर्सन को कुछ कमिटमेंट इश्यूज है, या ये पर्सन कमिटमेंट से डरते हैं, ये पर्सन श्योर नहीं है कि ये आपको वो कमिटमेंट दे पाएंगे जो आप चाहते हो या जो आप डिजर्व करते हो. सो इवन इफ हमने देखा यहाँ पे दैट आपके लिए ये बहुत ही स्टेबल कमिटेड कनेक्शन आ रहा है या मैरिज आ रहा है आपके सामने, बट फिर भी अगर ये दोनों सेम पर्सन हुए तो आई थिंक इस वक्त ये पर्सन कंफ्यूज्ड है दैट क्या ये कप ऑफ लव आपको ऑफर करना इस टाइम पे सही होगा या गलत. बिकॉज़ इस पर्सन के मन में काफ़ी सारा कन्फ्यूशन है, काफ़ी सारे सवाल है, ये पर्सन श्योर नहीं है कि ये ऑफर अच्छा होगा या बुरा होगा. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन अपनी लाइफ में फ़िलहाल अपने करियर या फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है या बिजी है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी है. ये पर्सन काइंड ऑफ इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते, ये पर्सन काइंड ऑफ इस वक्त सेटल नहीं करना चाहते, लाइक 100% कमिटेड नहीं होना चाहते, बट एट द सेम टाइम ये आपको ये ऑफर भेजना चाहते हैं. देर इज़ लाइक
एक डू और डाई सिचुएशन, एक डिसीशन के बीच में ये पर्सन फंसे हुए है कि मैं ये करूँ या नहीं, मैं लव ऑफर करूँ या मैं इस चांस को जाने दूँ. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, बहुत सारा सवाल, बहुत सारा कन्फ्यूजन, बैक एंड फोर्थ कि अगर मैंने ऑफ़र किया तो शायद मुझे कमिटमेंट देना पड़ेगा. सो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपके इस पर्सन के लिए जो आपके माइंड में है, दैट ये क्या करेंगे, क्या ये ऑफ़र करेंगे या फिर ये अपने फ्रीडम को एन्जॉय करेंगे. सो लेट अस होप वॉट एवर यू वॉन्ट वही ये पर्सन करे. बट फिलहाल मैं कह सकती हूँ आपके पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, फिलहाल ये कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ये लव आपको ऑफर करेंगे, कुछ लोगों के लिए मे बी ये ना करें, बट आई थिंक मैक्सिमम लोगों के लिए देर विल बी अ न्यू बिगेनिंग इस पर्सन के साथ. एक फिर से एक रीस्टार्ट या कुछ नया चैप्टर शुरू हो रहा है, अगर ये पुराने पर्सन है या न्यू पर्सन है, डज नॉट मैटर. सो आई ऑल्सो फील दैट ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके आसपास है, जिनके साथ आपका कुछ पहले हिस्ट्री रहे नहीं, यू नो पहले कुछ नहीं था, आप दोनों के कोई हिस्ट्री नहीं है, बट ये पर्सन मे बी आपको पसंद करने लगे हैं, पसंद करते हैं, एंड ये पर्सन श्योर नहीं है कि क्या आपको ऑफर भेजा जा सकता है या नहीं, क्या उसका रिजल्ट अच्छा होगा या नहीं, क्या आप एक्सेप्ट कर दोगे या रिजेक्ट कर दोगे. सो ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको आपके आसपास है, आपको पसंद करते हैं, बट डर रहे हैं वो प्रपोजल भेजने से. ओके सो अगर मैं जोडियाक की बात करूँ, मेरे पास है वर्गो, टॉरस, पाइसीस, कैप्रिकॉर्न. या ओके लेट अस सी कैंसर्स, लेट अस सी योर करियर एंड योर फाइनेंसेस, उसमें क्या देख सकते हैं हम लोग. गिव मी थ्री कार्ड्स हियर. ओके अगेन द टू ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ द स्टार. सो डेफिनेटली आई सी दैट एक नया एक चेंज इन योर करियर, जो शायद आपके यूनिवर्सल मैसेजेस में भी आया था कैंसर, आपके करियर में डेफिनेटली एक चेंज आ रहा है, काफ़ी भारी भरकम चेंज है. मे बी आप अपना करियर ही चेंज कर रहे हो किसी और चीज़ में, या फिर आप अपना जॉब चेंज कर रहे हो, या फिर आपका जो बिजनेस आइडिया है, समथिंग जो आप चेंज कर रहे हो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है. सो जो लोग बहुत टाइम से अपना जॉब बदलना चाहते थे या करियर बदलना चाहते थे, आई थिंक आप बेशक कर सकते हो, बिकॉज़ ये चेंज भी आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है अगर आप सोचो तो. सो डोंट फील वरिड या डोंट फील एंक्शियस अबाउट द चेंज. आई सी फाइनेंसेस आपको मिलेंगे, फाइनेंसेस आएगा, बट वो बहुत ही ग्रेजुअली धीरे धीरे आएगा. सो पहले थोड़ा सा हार्ड वर्क पुट ऑन करना है, पहले थोड़ा सा चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, वो रिस्क लेना है, वो लीप ऑफ फेथ आपको लेना है, उसके बाद आप काइंड ऑफ फाइनेंसेस देख पाओगे, उसके बाद आप काइंड ऑफ धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी देख पाओगे आते हुए, जो बड़े ही आसानी से आएगा. उसके लिए आपको बहुत यू नो माथा पेची करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कंसंट्रेट करना है इस चेंज पे, एंड कैसे आप ये चेंज ला सकते हो या कौन सा ऐसा चेंज आप ला सकते हो. बिकॉज़ आई थिंक आपका जो इस वक्त अगर आपको फेलियर मिल रहा है या इस वक्त अगर आप काइंड ऑफ सेटिस्फाइड नहीं हो, वो इस वजह से है बिकॉज आपका आपका जो तरीका है काम करने का, या आपका जो तरीका है मे बी पढ़ाई करने का, जो भी है उसमें कुछ कमी है, या उसमें कुछ चेंजेस ज़रूरी है जो आप कर नहीं रहे हो या जो आपको दिख नहीं रहा है. ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यू है. सो आई थिंक जैसे ही आप उस चीज़ को बदल रहे हो, तरीका बदल रहे हो, आपको ऑटोमेटिकली पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ आसान लग रहा है. सो क्या ये चेंज है वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको, एंड आप कैसे ये चेंज ला सकते हो उस पर भी फोकस रखना है आपको. मोटिवेशन के तौर पे पहले ही मत सोचना कि आपको एकदम भारी भरकम सा सक्सेस देखा देख लोगे आप इमीडिएटली. सक्सेस आपको दिखेगा धीरे धीरे, बट पहले यू हैव टू गेट कंफर्टेबल. आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना है, वो रिस्क लेना है, आपके कंफर्ट जोन से आपको निकलना है, ये जो डेली का रूटीन है उससे आपको निकल के सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचना है, दैट
कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, बिकॉज देर इज समथिंग जहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, कुछ है जहाँ पे बदलाव लाना ज़रूरी है, इम्प्रूवमेंट लाना ज़रूरी है, ठीक है। सो वो कंफर्ट जोन में रह के नहीं हो सकता, उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूरी है। ओके, सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। यहाँ पे कुछ खास है नहीं, बट देर इज़ डेफिनेटली अ ब्लेसिंग, एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग जो आपको बहुत जल्दी मिलेगा, एंड उसके लिए ऑलरेडी प्रोसेस शुरू कर दो, मेहनत करना, चेंजेस लाना, एक्सेप्टेंस एंड एक अच्छा स्ट्रैटेजी, एक अच्छा टाइम टेबल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैंसर्स, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। मे ऑल योर विशेज कम ट्रू, आपका नया साल बहुत अच्छे से बीते, एंड गॉड ब्लेस यू। सो अगर ये रेजोनेट किया हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।